I'll send her my heart covered as a gift, and hope that she'll take it into her sight. Hello all, this is Dr. Gunjan Vishwakarma from Mindful Journey. I welcome you all. In today's tarot reading, I am guided to take a tarot reading on the question, what are my shortcomings? Meri kamiya kya hai? Whether you are a feminine watching or a masculine watching, either you are a male or a female, yadi aap ek stri hai ya aap ek purush hai, har ek ke andar kuch na kuch kamiyan hoti hain. Aur maine apni jaise previous videos mein aapko bataya hai ki aap chahe kisi bhi gender ko belong karte ho, aap mein feminine aur masculine dono hi tarah ki energies aapke andar paayi jaati hain. Jo males hote hain unme mostly masculine energy zyada hoti hai aur feminine energy kam hoti hai. Isi tarah se jo females hoti hain unme feminine energy zyada hoti hai aur masculine energy kam hoti hai. Lekin जो भी उनके अंदर एनर्जीज हैं, जितनी भी मात्रा में एनर्जीज हैं, वो एनर्जीज बैलेंस नहीं होती. मतलब हो सकता है कि उनके कुछ फेमिनिन कैरेक्टर्स ऐसे हों जो कि इम्बैलेंस हों, और उनके कुछ मैस्कुलिन कैरेक्टर ऐसे हों जो कि इम्बैलेंस हों. इसी तरह से मेल में भी कुछ मैस्कुलिन कैरेक्टर्स इम्बैलेंस हो सकते हैं और कुछ फेमिनिन कैरेक्टर्स भी इम्बैलेंस हो सकते हैं. तो आज हम ये रीडिंग लेंगे जिसमें हम क्योंकि सारी शॉर्टकमिंग्स को तो हम एक रीडिंग में नहीं ले सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपकी मैस्कुलिन क्या क्या कमियां हैं और आपके अंदर फेमिनिन कमियां क्या क्या हैं, आपकी फेमिनाइन साइड पर क्या क्या कमियां हैं, आप उनको पता करने की कोशिश करें. तो ये हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर 6 कार्ड स्प्रेड लगाऊंगी, 3 कार्ड्स फॉर मैस्कुलिन शॉर्टकमिंग्स एंड 3 कार्ड्स फॉर फेमिनिन शॉर्टकमिंग्स. 3 कार्ड मैस्कुलिन कमियों के लिए और 3 कार्ड्स फेमिनिन कमियों के लिए. कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3. इसी तरह फेमिनिन में कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3. तो आप दोनों साइड से या एक साइड से जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे, और जितने चाहे आप कार्ड्स उसमें से सेलेक्ट कर लीजिए. फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 मैस्कुलिन में से आप चाहे तो 1 कार्ड सेलेक्ट करें और फेमिनिन में से आप कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट करें, या आप मैस्कुलिन में से कार्ड नंबर 3 सेलेक्ट करें और आप फेमिनिन में से कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट करें, या दोनों ही तरफ से आप कार्ड नंबर 1-1 सेलेक्ट करें, या दोनों ही तरफ से आप कार्ड नंबर 2-2 सेलेक्ट करें, या आप एक साइड से 2 कार्ड सेलेक्ट करें, एक साइड से 1 कार्ड, जैसे भी, मतलब जैसे भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे तीनों तरफ के कार्ड्स में से. और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो मुझे केवल एक ही साइड के कार्ड चूज करने, तो आप एक ही साइड के कार्ड चूज करें. तो मैं यहाँ पर 3 मैस्कुलिन शॉर्टकमिंग्स और 3 फेमिनिन शॉर्टकमिंग्स के ऊपर एक रीडिंग बना रही हूँ. अगर किसी कार्ड के साथ आप रेजोनेट नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप दूसरे कार्ड की रीडिंग को जरूर देखिए. हो सकता है कि आप, कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि हम अपनी इंट्यूशन के साथ अलाइन नहीं होते, हर एक व्यक्ति अपनी इंट्यूशन के साथ अलाइन नहीं होता है. तो ज़रूरी नहीं है कि आप 100% करेक्ट हो आपका जो आइडिया आप लगा रहे हो, तो ऐसे में आप दूसरे गैस पर, जो दूसरा आपका गैस हो आप उस पर भी जा सकते हैं. तो देखते हैं कि हमारे अंदर कौन सी मैस्कुलिन एनर्जीज इम्बैलेंस हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, और कौन सी फेमिनिन एनर्जीज इम्बैलेंस हैं या शॉर्टकमिंग्स हैं. और हम टैरो से ये भी एडवाइस लेंगे कि इस मैस्कुलिन और फेमिनिन शॉर्टकमिंग को पूरा करने के लिए, मतलब उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. टैरो से हम ये एडवाइस भी आ लेते हैं. तो इसी इंटेंशन के साथ, व्हाट आर माय शॉर्टकमिंग्स, व्हाट आर माय मैस्कुलिन शॉर्टकमिंग्स एंड व्हाट आर माय फेमिनिन शॉर्टकमिंग्स, स्पिरिट, एंजल्स, Vaishors, ascended masters, my guides, ancestors, please show me the right answers. Please show me the right advice for the people watching about their masculine shortcomings and their feminine shortcomings. Please give me right insight. Please give me right intuitive messages. I thank you in advance. मैं cards को already एक बार shuffle कर चुकी हूँ पहले. मैं जब पहले रीडिंग से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले जब कार्ड्स प्री शफल करती हूँ, उस समय ही मैं गाइडेंस मांगती हूँ कि मुझे आज कौन सी रीडिंग लेनी है. और उस प्री शफलिंग में ही मुझे वो इंट्यूशन होती है कि मुझे आज कौन सी रीडिंग लेनी है. तो आज की हमारी इंट्यूशन ये थी कि हमें अपनी शॉर्टकमिंग्स को देखना है और उनको दूर करने का तरीका, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने का तरीका भी देखना है. तो लेट्स चेक. देखिए, द कार्ड इज द बैलेंस कार्ड. ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको बोला कि जो मैस्कुलिन और फेमिनिन हमारी जो बैलेंस करने के लिए जो हम रीडिंग ले रहे हैं, देखिए ये टैरो रीडिंग किस तरह से हमारा गाइडेंस कर रही है. दिस इज
दिस इज फोर ऑफ वॉन्ड्स मीन्स द बैलेंस कार्ड, और ये आपने यहाँ पे इमेज देखी है ना, ये भी दिस इज द बैलेंस, ये बैलेंस को शो कर रही है इमेज। तो 100% हम इस रीडिंग के साथ में टैरो रीडिंग, टैरो एनर्जी इज देयर विद अस। ओके थैंक यू स्पिरिट। नाउ आई विल कट द कार्ड्स। Now I will, I'm pulling three cards from masculine side. This is card number one, card number two, and card number three. Okay. And okay, I'll pull for feminine side also. I'll pull. So here, feminine side, card number one, card number two, and card number three. Masculine side card number 1, feminine side card number 1. Masculine side card number 2, feminine side card number 2. Masculine side card number 3, feminine side card number 3. Okay? Now let's check. Card number 1 for masculine. Card number 1 for masculine is 3 of water, meaning 3 of cups, celebration energy. This is a shortcoming for very many masculines here, right now in these times. This is again a very resonating card with the today's this is a King of Wands card, okay? And then we have the Swords, okay? So the messages are clear. This is an Ace of Wands. This card is Ace of Wands card. Feminine side. Feminine side card number one. The consciousness. This is the Ace of Fire or Ace of Swords. Second card is the Page of Wands. ये card रीडिंग शुरू करते समय इस बॉटम के डेक पर था, डेक के बॉटम पर था। एंड यस, थर्ड कार्ड इज इंटीग्रेशन। मुझे इस कार्ड के आने की पूरी पूरी उम्मीद थी। चलिए मैं आपको इसके डिटेल्स बताने से पहले एक बार इनके क्लैरिफायर्स देती हूँ। Spirit, please me right clarifiers. Spirit, please give me right clarifiers. Spirit, please give me right clarifiers. Spirit, please give me right clarifiers. Okay. Spirit, please give me right clarifiers. Spirit, please give me right clarifiers. Bottom of the deck is the Wheel of Fortune. Okay. चलिए masculine side से शुरू करते हैं। मैस्कुलिन साइड पर पहला कार्ड आया थ्री ऑफ कप्स कार्ड। इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, फिर मैं इसको डिस्क्राइब करती हूँ। देखिए अब आप डिस्क्रिप्शन सुनिए। पहली चीज इस मैस्कुलिन की, जिसने भी कार्ड नंबर वन तय किया, पहली चीज तो आपको इंजॉय करना बहुत पसंद है, फ्री रहना पसंद है। यू आर अ फ्री स्पिरिट। आपको बाउंडेशन में रहना पसंद नहीं है। आपको मतलब आप एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि आप थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करना चाहते हैं, या आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं, या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बर्डन लगती है, वन थिंग। दूसरा, आप सेलिब्रेशन मतलब आप ग्रुप में रहना, अपने फ्रेंड्स के साथ रहना, पार्टी करना, आउटिंग करना, ये आपको थोड़ा पसंद, ज़्यादा पसंद है। वैसे तो ये सभी को पसंद होता है और ये अच्छी चीज़ भी होती है, लेकिन क्योंकि ये एज अ वीकनेस निकल के आया है, तो मतलब ये हो सकता है कि आप थोड़ा ओवरली ऐसा कुछ करती हो।
तीसरी चीज इसके अंदर ये निकल के आपको कोई एडिक्शन भी हो सकते हैं। एडिक्शन मतलब आपको कोई गलत आदतें जैसे कि अल्कोहल लेना, स्मोक करना या और किसी दूसरी तरह की ड्रग्स लेना, या एडिक्शन मतलब नॉर्मल एडिक्शन दूसरे तरह के भी एडिक्शन होते हैं जैसे सोशल मीडिया का एडिक्शन होना है ना, या कई बार जैसे ओवर शॉपिंग करना, ओवर एक्सपेंड ज़्यादा खर्च करना यानी फिजूल खर्ची करना जिसको बोलते हैं, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये कार्ड इसको शो करता है। ये कार्ड एक और चीज़ को भी शो कर रहा है कि जैसे यदि आपकी लाइफ में ऑलरेडी आपका कोई लाइफ पार्टनर है तो आप उस पार्टनर के अलावा भी और दूसरे पार्टनर्स के साथ इंगेज रहना, या फिर आप अपनी जो कमिटेड रिलेशनशिप होती है उसके अलावा दूसरी रिलेशनशिप्स के साथ भी आपका इंगेजमेंट होना, या थर्ड पार्टी एनर्जी जिसको बोलते हैं मतलब थर्ड पार्टीज को इंगेज करके रखना, इस तरह की एनर्जी भी इस कार्ड के साथ दिखाई दे रही है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये मैस्कुलिन साइड पर कार्ड आया है तो ये मतलब मैस्कुलिन मेल्स के लिए ही आया है। मैस्कुलिन एनर्जीज इम्बैलेंस फीमेल के अंदर भी हो सकती है और मैस्कुलिन एनर्जी इम्बैलेंस मेल के अंदर भी हो सकता है। तो इस कार्ड के अंदर ये सारी कमियां निकल के आई। तो अगर आपने कार्ड नंबर 1 चूज किया है तो देखिए आपको एडिक्शन हो सकते हैं, वो एडिक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। और दूसरा थर्ड पार्टी एनर्जीज को आप एंटरटेन कर सकते हैं। तीसरा आप थोड़ा सा मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हैं, आप ओवरली फ्रेंड्स के साथ या लेट नाइट पार्टीज करना इस तरह की जो होती है ना वो आपको मुझे लगता है कि ज़्यादा है। दूसरा आपके अंदर थोड़ा सा जैसे पार्टनर के प्रति जो फेथ होता है ना, फेथ मतलब एक ही पार्टनर के प्रति जो हम अपना डिवोशन होता है, डेडिकेशन होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर। ये कार्ड ये बता रहा है आप है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो, मतलब अगर आप बहुत इमोशनल होते तो ऑब्वियसली आप कमिटेड रिलेशनशिप्स के साथ इस तरह नहीं कर सकते थे कि आप थर्ड पार्टी एनर्जी में एंगेज होते। तो आप क्या करते हो कि आप खुद के आपके इमोशनल इम्बेलेंस में हो और आप बहुत ज़्यादा दूसरे के इमोशंस की परवाह नहीं करते हो, आप दूसरे के इमोशंस को हर्ट भी कर देते हो भले अनजाने में करते हो आप, लेकिन आप मतलब क्योंकि आपके खुद के इमोशन बैलेंस नहीं है और आप दूसरे के इमोशंस को इसलिए हर्ट कर देते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि आप जो कर रहे हो वो एक कोई इनसिंसियर है, इमेच्योर बिहेवियर है, और आप जिस तरह का बिहेवियर कर रहे हो उसकी वजह से आपके पार्टनर को या जो भी लोग आपके साथ इंगेज है उनको हर्ट भी हो सकता है। इस तरह की ये कार्ड एनर्जी शो कर रहा है, ठीक है। और तो इसका हम एक्सप्लेनेशन लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ठीक आया है क्योंकि अगर जो व्यक्ति इस तरह की थर्ड पार्टी एनर्जीज में रहेगा, ओवरली एक्सपेंड करेगा, या किसी तरह के एडिक्शन हो सकते हैं उसको, या वो दूसरे लोगों की फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है, इस तरह की जो कमियां है ना जिस व्यक्ति के अंदर, उसको फिर बर्डन होगा उसकी लाइफ बर्डन फ्री नहीं रह सकती। दिस इज 10 of Wands कार्ड, मतलब बर्डन कार्ड है। ऑब्वियसली अगर अपने पार्टनर के साथ में पूरे फेथफुल नहीं हो गए, या आपने मल्टीपल पार्टी रिलेशनशिप रख रखे हैं, मतलब 3, 4, 5 जगहों पर अगर आपका इंगेजमेंट है, तो ऑब्वियसली आप टेंशन फ्री तो आप रह नहीं सकते, बर्डन तो आपकी लाइफ में रहेगा ही रहेगा। और बर्डन रहने की वजह से अब कंफ्यूज भी रहोगे आप, कंफ्यूज इसलिए रहोगे क्योंकि आपका बर्डन इतना ज़्यादा होगा कि आप आगे का भविष्य के बारे में कोई सही दिशा तय करना, भविष्य की राह को आप ठीक तरीके से आपके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस, इनर गाइडेंस नहीं होगा क्योंकि आपने जिस तरह की एनर्जीज में अपने आप को कर रखा है ना, इंगेज कर रखा है, मतलब कुछ भी हो सकता है कोई व्यक्ति ना हो। एडिक्शन देखिए काम का भी एडिक्शन होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हो है ना, जैसे आप काम ही काम करे जाना है, या पैसे के लिए आप बहुत एडिक्टेड हो कि आपको पैसा कमाना है, या आप बहुत सक्सेस के पीछे भाग रहे हो, इस तरह का कोई भी जो एडिक्शन होता है ना, मतलब जिसको कहते हैं जुनून, जुनून की हद तक जो एडिक्शन होता है उस तरह का ये कोई चीज़ है। और इनसिंसियरिटी भी इसके अंदर आती है, मतलब कोई भी काम शुरुआत तो आप जुनून के साथ कर देते हो लेकिन फिर बाद में जाके आप कन्फ्यूज हो जाते हो, और वो चीज़ जो चीज़ आपने बड़े जुनून के साथ शुरू करी थी और बहुत मतलब आपने सोचा था कि, और आप एक्साइटेड होते हो शुरुआत में तो बहुत, लेकिन बाद में फिर वही चीज़ आपके लिए बर्डन बन जाती है।
इस तरह का आपकी आपकी कमी है। ओके चलिए नेक्स्ट कार्ड पर बात करते हैं। अच्छा मैं कार्ड नंबर 1 को खत्म ही कर देती हूँ ताकि जिन लोगों ने सेलेक्ट किया अगर वो रीडिंग से क्विट करना चाहते तो कर सकते हैं। इसके लिए हम एडवाइस मांगते हैं टैरो से, प्लीज गिव अस राइट एडवाइस। इस तरह की एनर्जीज में से निकलने के लिए क्या एडवाइस है टैरो के पास में, लेट्स चेक। कार्ड आया है फाइटिंग कार्ड। ऑब्वियसली बात है कि आप थर्ड पार्टी एनर्जीज में हैं या आपके अंदर कुछ गलत एडिक्शन है या आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप टेंशन फ्री नहीं रह सकते, आप हमेशा बर्डन में रहते हैं और इसीलिए आपकी फाइट्स भी होती होंगी जरूर। जो आपके पार्टनर्स है ना, जो आपका कमिटेड पार्टनर है या जो आपके पार्टनर्स इंगेज हैं उनसे आपकी उनसे आपकी फाइटिंग्स होती रहती होंगी और मतलब आप एक तरफ बैलेंस बनाने जाते होगे स्थिति में तो दूसरी तरफ इम्बैलेंस हो जाता होगा। मतलब लाइफ में इम्बैलेंस और लड़ाइयाँ कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़ा चलना, बर्डन होना, टेंशन होना, आप स्वयं भी इससे टेंशन में रहते हो और आप अपने जो भी आपके साथ में जो लोग हैं उनको भी आप टेंशन देते हो। तो देखिए इसमें आपको क्या दिखा रही है, 3 of Wands है लेकिन मैं इसके कार्ड की इमेज आपको बताना चाहती हूँ। इसमें 3 Wands है, 3 Wands है और यहाँ पे क्या 3 people are here। तो यहाँ पर टैरो आपको ये एडवाइस दे रहा है कि इस तरह की थर्ड पार्टी एनर्जीज में से निकल जाइए। देखिए इस व्यक्ति ने क्या कर रखा है, 2 Wands को तो पीछे छोड़ दिया है और तीसरे वॉन्ड को हाथ में पकड़ लिया है। 2 Wands को पीछे छोड़ के तीसरे वॉन्ड को हाथ में पकड़ लिया है। ये सीधा सा क्लियर कट ये एडवाइस कह रहा है ये कार्ड की थर्ड पार्टी एनर्जी में से, यानी कोई भी जो आपका थर्ड पार्टी एनर्जी मतलब कोई भी आपका एडिक्शन हो, ओवर एडिक्शन हो, आपका कोई आपकी रॉन्ग आपकी हैबिट हो या आपके अंदर थर्ड पार्टी एनर्जीज को एंटरटेन करने की जो आदत है ना उस आदत को आप छोड़ दीजिए। तो 3 of Wands से कहाँ आएंगे, पहले आप 2 of Wands पे, ये पीछे जो 2 of Wands है, 2 of Wands पे आने का मतलब आप डिसीजन लीजिए, अपनी लाइफ में डिसीजन लीजिए क्योंकि आप बहुत सारी पार्टीज को या मल्टीपल चीज़ों को या मल्टीटास्किंग करना जिससे आपको अल्टीमेटली यही पता नहीं चलता कि मुझे एक्चुअल में लास्ट में जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है। तो ऐसी जो आपकी कंफ्यूजिंग एनर्जी है इससे बाहर निकलने के लिए टैरो की एडवाइस है कि पहले तो आप डिसीजन मोड में आइए, आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। सारी पार्टियों को एक साथ इंगेज करना या सारे बहुत सारे टास्क एक साथ हाथ में लेकर चलना या ये करना, ये भी कर लूँ, ये भी पालूँ, मुझे मनी भी चाहिए, सक्सेस भी चाहिए, मुझे मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उसमें टैरो आपको एडवाइस दे रहा है कि आपको 2 of Wands वाली कंडीशन में आना पड़ेगा। 2 of Wands वाली कंडीशन में आने का मतलब आपको डिसीजन मेकिंग में पहुँचना आना पड़ेगा कि क्या मेरी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है और क्या मेरी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है, और क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए सही नहीं है। तो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको आप छोड़ दीजिए, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है चीज़ें उनको आप छोड़ दीजिए, जो आपके लिए नुकसानदायक चीज़ें हैं आप उनको डिटरमाइन होकर छोड़ दीजिए। और उसके बाद 2 Wands को छोड़ देना तो कौन सा कितना वॉन्ड बचेगा, 1 Wand बचेगा, यानी एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है पहली चीज तो ये कि फर्म डिसीजन। तो किसी एक डिसीजन पर आ जाइए, अगर एक पार्टनर चूज करना है तो किसी एक पार्टनर को चूज कीजिए, टास्क चूज करने बहुत सारे में तो एक बार में एक टास्क को चूज कीजिए। अगर आपको और आपको कोई एडिक्शन वगैरह है तो आप उस क्योंकि वो आपके लिए हानि पहुंचाने वाला है तो उस एडिक्शन को आप छोड़ने की हैबिट मतलब छोड़ने की तरफ जाइए। और फिर एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप अपने डिसीजन पर फर्म हो जाइए और उसी डिसीजन के साथ आप पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड उस डिसीजन पर कायम रहकर उसी दिशा में आप फॉर्मली मतलब दृढ़ता के साथ आगे बढ़िए तो आप इस एनर्जी में से, इस मैस्कुलिन कमजोरी में से आप बाहर निकल सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको अच्छा लगा होगा ये फर्स्ट रीडिंग और ये क्लियर भी है रीडिंग। अब हम चलते हैं मैस्कुलिन की दूसरी कमी के ऊपर। दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड।
देखिए ऐसे तो जो किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आप बहुत पैशनेट होंगे, एनर्जेटिक होंगे, वर्कहोलिक होंगे, आप बहुत अच्छा काम करते होंगे, यू आर अ गुड वर्कर, नो डाउट यू आर अ वेरी गुड वर्कर। आप डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी होगी, लोगों के साथ आपके वार्म रिलेशंस होंगे, आपके जो मित्र वगैरह इस तरह के आपके सलाहकार, आपके मित्र, आपकी फैमिली आपको पसंद करती होगी, आप एक पॉपुलर पर्सन होंगे और आप काफी सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर होंगे। और फीमेल्स के अंदर भी आप काफी पॉपुलर होंगे, मतलब बहुत सारी फीमेल्स भी आपको अप्रोच, अगर आप मैरिड नहीं हो, अगर आप यू आर अ बैचलर और समथिंग लाइक दैट, तो आपको बहुत सारी फीमेल्स भी पसंद करती होंगी, फीमेल आपको एडमायर करती होंगी, ऐसी आपकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। ये तो हुआ आपके आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, उसकी गुड साइड। अब इसकी बैड साइड क्या होती है? देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो बैड साइड है ना, वो इसके अंदर ये है कि आपका सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस है। सेक्रल चक्रा मतलब आपकी जो सेक्सुअल एनर्जीज होंगी ना, वो इम्बैलेंस होंगी। तो क्योंकि आप बहुत ज्यादा पैशनेट है, तो हो सकता है कि आपका जो आपकी पैशनेट एनर्जीज होती हैं, वो आपको कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो एनर्जी है, ये सेक्रल चक्रा एनर्जी है। तो आपको यहाँ पर क्लियर कट एडवाइस दी जा रही है कि एज सच तो आपकी एज अ पर्सनैलिटी वाइज, सक्सेस वाइज, आप यू आर एट अ गुड प्लेस, लेकिन आपको अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करने की जरूरत है। सेक्रल चक्र एनर्जी के अंदर क्या होता है, 50% मैस्कुलिन और 50% फेमिनिन एनर्जी होती है। तो क्योंकि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हो, तो आपकी जो कमी होगी ना, वो ये होगी, आप बहुत ज्यादा मैस्कुलिन होंगे, मतलब आप जिसको माचो मैन बोलते हैं ना, जैसे लाइक द ही मैन टाइप, उस तरह की आपकी एनर्जीज होंगी, तो आप बहुत ज्यादा मैस्कुलिन होंगे। तो आप है ना, फीमेल्स के साथ में बहुत मतलब जैसे आपकी फेमिनाइन साइड कमजोर होगी जरूर से। जैसे एक तो आपकी इंट्यूशन पावर कमजोर होगी, आप काम करने पर विश्वास करते हैं, मतलब आप भाग्य पर विश्वास नहीं करते होंगे, या आप सब कुछ मैं कर लूँ, जैसे सब मुझे ही करना है, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है, और इस तरह की जो एनर्जी होती है ना, सब सब जिम्मेदारी ओढ़ के चलने की, ज्यादा काम का बर्डन लेने की, और एक मैस्कुलिन एनर्जी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, लोग मेरे मेरी तरफ देख रहे हैं, तो ओवरली मतलब रिस्पॉन्सिबल होना, ओवरली काम का बर्डन लेना, और ओवरली अपने आप को जैसे शो ऑफ करते हैं ना कि मैं बहुत अच्छा वर्कर हूँ, मैं बहुत वर्कहोलिक हूँ, ऐसी अपनी इमेज जिसको बोलते हैं ना, इमेज कॉन्शियस होना। तो आप मतलब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भी काम करते होंगे, और आप ना अपने इमोशनल साइड को, इमोशनल जो आपका पार्ट है यानी फेमिनिन पार्ट, उसको इग्नोर करके भी आप काम की तरफ लगे रहते होंगे, क्योंकि आपको अपनी इमेज एक जेंटलमैन की, और आपको एक मतलब स्ट्रांग इमेज बनानी है, तो और आपको सक्सेस के पीछे ज्यादा आप भागना, मनी के पीछे ज्यादा भागना, और मतलब इतना ज्यादा वर्कहोलिक हो जाना कि आप यही भूल जाओ कि आपके आपका कोई पार्टनर हो, तो वो आपकी वेट भी कर रहा होगा, तो आपके पार्टनर को भी आपको टाइम देने की जरूरत है, या आपके बच्चों को भी आपके टाइम की जरूरत है, इस तरह की आपकी कमजोरी है ये। और आप ना रेस्टलेस रहते होगे लाइफ में, मतलब रेस्टलेस मतलब क्योंकि आप बहुत ज्यादा वर्कहोलिक हो, और आप आगे से आगे नया से नया टास्क पकड़ते हो, मतलब एक टास्क कंप्लीट हुआ नहीं हुआ और दूसरा आपने जिम्मेदारी हाथ में ले ली, फिर वो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, फिर आपने तीसरी जिम्मेदारी तो मतलब जैसे रेस्टलेसनेस की स्थिति होती है ना, मतलब ये किया वो किया, हड़बड़ाहट में रहना या बहुत ज्यादा वर्क करना, उस तरह की आपकी एनर्जी रहती होगी, और इसकी वजह से ना आपको आपको गुस्सा भी ज्यादा आता होगा, आप ज्यादा जैसे एंग्री यंग मैन बोलते हैं ना जिसको, उस तरह की भी आपकी नेचर हो सकती है। तो आप लोगों के साथ में कई बार आप रूड बिहेव भी कर सकते हो, और आप मतलब जैसे एंग्री बिहेव भी आप करते होंगे, क्योंकि आपके सामने आपको सिर्फ अपना लक्ष्य नजर आता है, मुझे ये अचीव करना है तो करना है, मुझे ये टारगेट पूरा करना है तो करना है, तो उसके अंदर दूसरे लोगों की अगर फीलिंग्स हर्ट होती हैं तो भी हर्ट हो, अगर आपको दूसरे लोगों को रूडली बोलना है तो भी आप बोल देंगे, है ना, तो इस तरह की आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, और इस वजह से आपका जो आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ यानी आपकी लाइफ में जो फेमिनिन है उसके साथ आपका रिलेशन खराब होने की संभावना है।
क्योंकि ऐसे किंग ऑफ वॉन्ड्स की बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती है, लेकिन क्योंकि अभी ये मैस्कुलिन वीकनेस के ऊपर आया है, तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो कमजोरियां होती है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो आपकी फेमिनिन के साथ, आपकी फेमिनिन आपसे हो सकता है कि सेटिस्फाई ना रहती हो, क्योंकि वो आप उसको टाइम नहीं देते, आप उसको पूरा इमोशनल अटैचमेंट नहीं देते हैं, या फैमिली को पूरा टाइम नहीं देते हैं, तो इस तरह की ये कमियाँ आई है। और देखिए ये इसमें जो कार्ड आया क्लैरिफिकेशन में, द एम्प्रेस कार्ड आया है, वहाँ पर भी यही बता रहा है, यानी आपकी जो फेमिनिन साइड है ना वो कमजोर है, तो फेमिनिन साइड को आपको एम्प्रेस मतलब स्ट्रॉन्ग फेमिनिन, स्ट्रॉन्ग फेमिनिन है ना, एम्प्रेस का मतलब स्ट्रॉन्ग फेमिनिन, तो आपकी जो फेमिनिन साइड कमजोर है ना उसको आपको, अपनी फेमिनिन साइड को आपको बढ़ाना। आपकी मैस्कुलिन साइड स्ट्रांग है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा काम करते हो, अच्छे वर्कर हो, सक्सेसफुल हो, पैशनेट हो, वो सब अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा आप अपने लॉजिकल माइंड के साथ अपने इमोशनल माइंड को भी वेटेज देने की कोशिश कीजिए। इमोशंस भी जरूरी होते हैं लाइफ में, और अपनी फेमिनिन साइड को आप बैलेंस कीजिए। दूसरी चीज, आपकी लाइफ में जो फेमिनिन है, जो द वन फेमिनिन हु इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, उसको वक्त दीजिए, उसके साथ समय बिताइए, उसके साथ थोड़ा इमोशनल अपना अटैचमेंट बढ़ाइए। आपकी फेमिनिन साइड पर जब आप, फेमिनिन के साथ आपका अच्छा अटैचमेंट होगा तो उसका भी फायदा आपको इस, आपकी इस एनर्जी को बैलेंस करने में होगा। ठीक है, मैं इसके एक क्लैरिफायर्स लेती हूँ, फिर हम नेक्स्ट कार्ड पर चलेंगे। देखिए ये ट्रस्ट कार्ड है, ट्रस्ट कार्ड ये कह रहा है, दिस इज नाइट ऑफ वाटर काइंड ऑफ एनर्जी। ट्रस्ट कार्ड आपको ये कह रहा है, जो मैंने भी आपको बोला, जैसे आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने की कोशिश करो, ये भी करूंगा वो भी करूंगा, सॉरी ये भी मेरी जिम्मेदारी, ये भी मेरी जिम्मेदारी, तो आप ना थोड़ा ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट किस पर करना है, कि अपनी किस्मत पर, अपने भगवान पर, अपने से ऊपर भी तो कोई हायर पावर है ना, उस हायर पावर पर आप ट्रस्ट करना शुरू कीजिए। सब जिम्मेदारियां एक साथ निभाने की आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ आज का आज खत्म कर लेने की, सारे टारगेट आज के आज खत्म कर लेने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़े रिलैक्स भी हो जाओगे ना तो दुनिया बर्बाद नहीं हो जाएगी, तो आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कीजिए। आप अपनी फेमिनाइन साइड को, मतलब अपनी क्रिएटिव साइड को, अपनी नर्चरिंग साइड को थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए। आप सारा सारा टाइम आप मैस्कुलिन एनर्जी, यानी आप वर्किंग वर्किंग एंड वर्किंग पर जो डाल रहे हैं ना, उसकी बजाय आप थोड़ा अपनी क्रिएटिव साइड पर आ जाइए। आपकी कोई हॉबीज जो हो अभी तक आपने पूरी नहीं, आप हॉबीज पूरी कीजिए, आप थोड़ा फ्री टाइम बिताइए, आप नेचर में टाइम बिताइए, आप हॉलीडेज पे जाइए, आप अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताइए, अपनी फेमिनिन के साथ आप वक्त बिताइए, तो ये आपको, और जब ये आप वक्त बिता रहे हो ना तब आपको बर्डन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको हर टाइम काम का और टारगेट पूरा करने का बर्डन रहता है, तो थोड़ा भगवान पर भरोसा कीजिए कि आप थोड़े रिलैक्स हो जाओगे तो आपके आपके पीठ पीछे भगवान आपका सहायता करने के लिए रेडी है, वो आपकी चीज़ों को ठीक करके रखेगा। तो ये ईश्वर यानी टैरो एनर्जी आपसे कह रही है कि बी गेट रिलैक्स, बी रिलैक्स, मैं हूँ तुम्हारे पीछे, लाइक। और ये देखिए ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी का कार्ड, ये भी ये कह रहा है कि अगर आप थोड़ा सा फ्री हो जाओगे, आप भगवान पे छोड़ दोगे तो दुनिया नहीं लूट जाने वाली है, यानी आप कुछ ऐसा बहुत बड़ा, कोई बड़ी चीज मिस नहीं कर देने वाले हो। और अगर आपने कुछ मिस भी कर दिया ना अपने एनर्जीज को बैलेंस करने के समय में, अपनी फैमिली अपनी पार्टनर के साथ में वक्त बिताने में, अपने ऊपर समय देने में, रिलैक्स होने में, अगर आपने समय अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस भी कर दी, अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस भी कर दी ना, तो डिवाइन आपको प्रॉमिस कर रहा है कि नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। दिस इज एस ऑफ कप्स, तो डिवाइन आपको ये कह रहा है कि भाई आप एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे तो कोई बहुत बड़ी वो प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, मतलब आपके लिए नई 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 अपॉर्चुनिटीज हमेशा आती रहेंगी, हमेशा आती रहेंगी, क्योंकि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हो, मतलब आप में पैशन की कोई कमी नहीं है, आप में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो आपको टैरो एडवाइज ये कह रही है कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा अपनी एनर्जीज पर, फैमिलीन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। अपॉर्चुनिटी पहली बात तो मिस होगी नहीं, भगवान पर भरोसा कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस भी होती है ना तो आप बर्डन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, गुस्सा मत कीजिए, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज ईश्वर हमेशा रेडी करके रखेगा। तो ये आपकी कार्ड नंबर 2 वाले जो मैस्कुलिन इम्बैलेंस वाली या मैस्कुलिन की कमी की एनर्जी थी, तो मुझे लगता है आपको ये सेकंड रीडिंग भी पसंद आई होगी। नाउ थर्ड रीडिंग, द सोर्स, दिस इज लाइक अ एस ऑफ वॉन्ड्स।
देखिए, आप कुछ ना कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। आपकी कुछ नया शुरू करने की अभी या तो ऐसी लाइफ में कंडीशन है, आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं, या आप किसी नए आइडिया पर काम कर रहे हैं, और लेकिन आप इस बारे में कुछ ज्यादा लंबे समय सोच रहे हैं, आप किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आपकी जो जो मैस्कुलिन वीकनेस है ना, वो ये, जैसे मैस्कुलिन होता है एक्शन ओरिएंटेड, मतलब मैस्कुलिन एक्शन लेने पर विश्वास करता है, लेकिन आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर ये कि काम करने की बहुत नए नए आइडियाज तो आपके पास बहुत सारे हैं, क्रिएटिव आइडियाज तो आपके पास बहुत सारे हैं, कि आपको ऐसा लगता है, और हर दिन आपको ऐसा लगता होगा, एक दिन आपको लगता होगा मैं ये स्टार्ट करूँ, फिर अगले दिन आपको लगता होगा नहीं मैं ये स्टार्ट करूँ, फिर आपको लगता होगा ये नहीं ये नहीं ये, तो आप ना जगलिंग मोड में रहते हैं। जगलिंग कार्ड देखिए, जैसे ये जोकर है ना, दो चीजों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और ये एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब पैशनेट न्यू बिगिनिंग, और फिर उसके बाद जस्ट बाद जगलिंग कार्ड, मतलब पैशनेट न्यू बिगिनिंग और जगलिंग, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आप, आपके अंदर क्रिएट, और सोर्स कार्ड के साथ, मतलब सोर्स का मतलब क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिव आप बहुत हैं, आपके अंदर बहुत क्रिएटिव एनर्जी है, या आपके अंदर न्यू आइडियाज बहुत सारे हैं, हो सकता है आपके अंदर बहुत नए बिजनेस आइडियाज हो, या आपके पास कोई नए वर्क प्लान्स हो, सर्विस में हो तो आपके पास इस तरह के कोई प्लान्स हो, तो आपके पास प्लान बहुत है, आपके पास वर्क आइडियाज बहुत है, लेकिन आप किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते, बल्कि आप दो या तीन डिसीजनों के बीच में जगल ही करते रहते कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, तो इस तरह की आपकी इनडिसाइसिव एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ फील हो रही है। लेट्स चेक मोर। देखिए कार्ड क्या आया, क्रिएटिविटी कार्ड आया है। मैंने कहा ना, आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप जैसे चाहे, आपके पास बहुत नए आइडियाज हैं, और एक सोर्स कार्ड भी आपको मिला, मतलब आप बिल्कुल जैसे नए नए आइडिया जो किसी ने पहले नहीं सोचो, ऐसे अच्छे अच्छे आइडियाज आपके पास जरूर होते हैं, लेकिन आप जगल करते रहते हैं। जगल करना मतलब आप किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर जो कार्ड है ना, क्रिएटिविटी, इसका मतलब है कि सिर्फ सोचते मत रहिए, हाथ बढ़ाकर उस चीज को पा लीजिए। देखिए यहाँ पर एक फीमेल फिगर है, अब देखिए फीमेल फिगर है जो चांद को छूने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हैं आप, हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की, लेकिन अभी तक चांद छुआ नहीं है, कारण क्योंकि इस फीमेल का हाथ तो चांद की तरफ बढ़ा हुआ है, लेकिन इसकी नजर है ना नीचे देख रही, चांद की तरफ नहीं देख रही। ये कार्ड वही बता रहा है जो मैंने अभी आपको बताया, मतलब आपके अंदर चांद को छू लेने की जितनी आपके अंदर काबिलियत है, आप चाहें तो आप चांद को छू सकते हैं, यानी आप जो चाहें, आप नया क्रिएट करना चाहते हैं कुछ, या आप कुछ भी नया लाइफ में शुरू करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, आपके अंदर क्रिएटिव पावर है, लेकिन अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जगलिंग मोड से आपको बाहर आना पड़ेगा। जगलिंग मोड से बाहर आकर और आपको हाथ बढ़ाकर उस चीज को पा लेना है, सिर्फ सोचते ही नहीं रहना, आपको उस काम को कर लेना है। एंड देन देयर इज थ्री ऑफ कप्स एनर्जी। देखिए ये बहुत अच्छी एडवाइस देगा, ये आपको ये कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि अभी तक जो आइडिया है ना, वो आपके दिमाग में ही है, क्योंकि आपने अभी तक उस पर कोई एक्शन लेना शुरू नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता हूँ, मेरे को टीम की जरूरत है, मुझे सही लोगों की जरूरत है, जब तक मुझे कोई पार्टनर नहीं मिलेगा, या जब तक मुझे कोई सही एडवाइस देने वाला नहीं मिलेगा, तब तक मैं काम को शुरू कैसे करूँ, इसलिए आप मेंटली जगल कर रहे हैं, मतलब आपने अभी तक किसी के साथ डिस्कस भी नहीं किए, अपना आइडिया डिस्कस नहीं किया है, और आपने किसी और से एडवाइस भी नहीं मांगी है, आपने किसी और से सपोर्ट या हेल्प भी नहीं मांगा है, तो यहाँ पे टेरो आपको ये एडवाइस कह रहा है कि सिर्फ दिमाग में मत रखिए, इस क्रिएटिव आइडिया को बाहर निकालिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। किन लोगों के साथ शेयर कीजिए? जिनके सपोर्ट की, जिनके हेल्प की आपको जरूरत है, फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, फिजिकल हेल्प हो सकती है, मेंटल हेल्प हो सकती है, कैसी भी तरह की, तो आप ना अपनी टीम इकट्ठी कीजिए, आप अपनी टीम बनाइए, आप जिस क्रिएटिव वर्क को करने की सोच रहे हैं ना, उसके लिए अपनी एक टीम बनाइए, और उस टीम के साथ में अपनी आइडिया को आप डिस्कस कीजिए, तो आपको सपोर्ट मिलेगा अगर आप टीम वर्क करोगे। ये टीम का कार्ड है, और ये मतलब वही सेलिब्रेशन का भी कार्ड है, मतलब अगर आप टीम वर्क करना शुरू कर दिया, आप अगर आपने लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। और एक और भी चीज है, जैसे आप जगलिंग करते रहते हो, या बहुत ज्यादा मेंटल यानी अपने ही विचारों में गुम, जिसको बोलते हैं ना उलझनों में, अपनी ही उलझनों में गुम है, तो हो सकता है कि आप जिन लोगों के साथ आपको कनेक्ट होने की जरूरत है, जिन
जिन लोगों के साथ आपको सक्सेस होने के लिए कनेक्ट होने, आप उन लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हो, आप आइसोलेटेड हो, आप अलग पड़े हुए हो, आप अपने विचारों में कहीं घूमो, अपने आप अपने ख्याली पुलाव पका रहे हो, आइडिया बस आइडिया पे आइडिया आए जा रहे हैं, लेकिन आप किसी काम को शुरू नहीं कर रहे हो, क्योंकि जिन लोगों के साथ आपको होने की जरूरत है उस आइडिया को पूरा करने के लिए, उस क्रिएटिविटी को पूरा करने के लिए, उस सक्सेस को अचीव करने के लिए, आपको जिन लोगों के साथ की जरूरत है ना, आप उन लोगों के साथ जाइए, आप मिलिए उन लोगों से, दोस्ती बढ़ाइए, अपने अपने कनेक्शन बढ़ाइए। हो सकता है आप किसी बिजनेस में हो तो, या नौकरी में भी हो सकते हैं, तो आपको ना अपने कनेक्शन सोशल सर्कल को बढ़ाने के लिए, सोशल सर्कल को बढ़ाइए, लोगों के साथ जो आपका वन टू वन कनेक्ट है उस कनेक्शन को आप बढ़ाइए, तो आपको फायदा मिलेगा, आपको क्रिएट, आप कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे, या आपका कोई टारगेट होगा तो आप उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो लोगों के साथ मिलिए, लोगों के साथ बात कीजिए, लोगों के साथ अपने आइडिया को शेयर कीजिए, और लोगों के साथ अपना संबंध, अच्छे संबंध बनाइए, मधुर संबंध बनाइए, और अपने दिमागी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल कर लोगों के साथ मिलिए जुलिए, सर्कल को बड़ा कीजिए, तो जरूर से आपके जो आइडिया है ना वो सफल होंगे। ये आपको टैरो बता रहा हूँ, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं फेमिनाइन कार्ड्स की तरफ। फेमिनाइन कार्ड नंबर 1, एस ऑफ फायर कॉन्शियसनेस। इसका क्लेरिफिकेशन है एस ऑफ कप्स। ये कार्ड, ये मैसेज बहुत ही क्लियर है। आप जो फेमिनिन है ना, आप बहुत ज्यादा क्लियर है अपने माइंड में, आप बहुत ज्यादा क्लियर है अपने लक्ष्य के प्रति, आप बहुत क्लियर है आपको क्या चाहिए लाइफ में, या लोगों से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, इस बारे में आप बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आपके माइंड में कोई जगलिंग नहीं, मतलब आपके माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, आपके माइंड में कोई ये नहीं है कि ये करूँ या वो करूँ, इस तरह की कंफ्यूजिंग एनर्जी नहीं। आप अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल क्लियर हैं, और लोगों से आपको जो एक्सपेक्टेशन है उसके प्रति भी आप बिल्कुल क्लियर हैं, और आपकी जो थर्ड आई चक्र है ना, मतलब आपका थर्ड आई चक्र और आपका क्राउन चक्र भी एक्टिव, थोड़े ज़्यादा या थोड़ा एक्टिव हो सकता है, मतलब आपको डिवाइन गाइडेंस भी मिलती है, या तो आप मेडिटेशन करती हो या आप इसी तरह की कोई और प्रैक्टिस करती हो, जिसकी वजह से आपकी इंट्यूशन पावर तेज है और आपको डिवाइन गाइडेंस मिलता है। और आप ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जैसे भक्ति भक्ति में रहना, या ना धर्म धर्म में रहना, इस तरह की भी आपको आपकी एनर्जी हो सकती है। लेकिन कई बार है ना इस एनर्जी का दूसरा भी मतलब होता, मतलब जैसे क्योंकि आप बहुत ज्यादा क्लियर हो माइंड से और आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत तेज है, तो इसका इस्तेमाल आप थोड़ा सा रॉन्ग वे में, मतलब कि लोगों की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जैसे इंटरप्ट करना, अपनी नाक घुसेड़ना, इसको बोलते हैं दूसरे के मामलों में अपनी टांग अड़ाना, और मतलब लोगों के अपनी अपनी इंट्यूशन वगैरह इसका इस्तेमाल करके दूसरे लोगों की प्राइवेसी में दखल करना, उस तरह की जो कमजोरी होती है ना, वो कमजोरी इसके अंदर नजर आ रही है। एस ऑफ फायर मतलब जिस जगह पर जो आपकी बाउंड्री में नहीं आता, उस बाउंड्री में भी आप घुस जाती है। मतलब व्यक्ति यदि आपसे चाहता है कि कोई बाउंड्री बना रहा है, तो आप उनकी पर्सनल बाउंड्रीज को आप क्रॉस कर जाते हो। मतलब आपको आपको ये इंटरेक्ट करते समय यही ध्यान नहीं रहता है कि अब मेरी बाउंड्री खत्म हो चुकी है, इसके आगे मुझे पूछने की मुझे जरूरत नहीं है, इसके आगे मुझे बात करने की जरूरत नहीं, इस तरह का जो होता है ना दूसरे की बाउंड्री में इन्वेड करना, दूसरे की प्राइवेसी के अंदर इन्वेड करना, इसी तरह से इसे, और आजकल तो ये ताका झांकी जिसको बोलते हैं, ताका झांकी, ये सोशल मीडिया पर भी बहुत बढ़ गई है। तो मतलब सोशल मीडिया पर भी जैसे ऐसे लोगों के साथ में कनेक्ट होना जहाँ कनेक्ट होना ठीक नहीं है, या वहाँ पर कोई अनवांटेड कमेंट्स करना, या इस तरह की जो कमजोरी होती है ना, ये कमजोरी इसके अंदर नजर आ रही है। और क्योंकि आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियर हो, तो कई बार आप हार्श बोल लेते हैं, मतलब ये कटिंग वर्ड्स जिसको बोलते हैं ना, तलवार की तरह के शब्द चलते हैं, तो एकदम से क्योंकि, और आप ये कहते हो कि मैं तो साफ बोलती हूँ, मैं तो साफ बोलता हूँ, ऐसा साफ कहता, साफ कहना सुखी रहना है सब, मतलब इस तरह की आपकी नेचर हो सकती है। मतलब साफ कहने के नाम पर लोगों को ऐसा कह देते होंगे कि जिससे लोगों को हर्ट हो जाता हो, और साफ कहने के नाम पर वो बातें भी बोल देते होंगे जो नहीं बोलने जैसी बातें हैं, और साफ बोलने के नाम पर आप
दूसरे किसी व्यक्ति की जो सीक्रेट बातें होती है, जो प्राइवेट बातें होती है ना, वो भी आप दूसरे लोगों तक पहुंचा देते होंगे, ये कह के कि मैं झूठ नहीं बोल सकती और मुझसे मैं किसी के सीक्रेट नहीं रख सकती, ऐसा कह के एक व्यक्ति की जो सीक्रेट से वो लीक कर देना, दूसरे को लीक कर देना, या इधर की बात उधर करना, इस तरह की आदत, और टाका झांकी करना, और कटिंग वर्ड्स बोलना, मतलब हार्श वर्ड बोलना, रूडली बोलना, रूड बिहेव करना, ये इसकी कमियां हैं, इस फर्स्ट मैस्कुलिन फेमिनिन कार्ड की कमी है। और इसके अंदर आपको एस ऑफ कप्स, इस तरह का बिहेव कोई भी लेडी कब करती है, या कोई भी जेंट्स, मैंने फेमिनिन बोला तो जेंडर तो इसमें मेल भी ऐसे हो सकते हैं, तो आपको ना, आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस की जरूरत है। एक तो आपको ज्यादा लविंग होने की जरूरत है, ये जो एकदम से एब्रप्टली सीधा सीधा रूखा रूखा बोल देने की जो आदत है ना, कटिंग वर्ड जिसको बोलते हैं, तो कटिंग वर्ड्स की जगह ना थोड़ा सा सिंपैथेटिक हो जाए, सिंपैथिक हो जाइए लोगों के प्रति, थोड़ा कंपैशन के साथ, थोड़ी दया के साथ, ये ध्यान रखिए कि दूसरों के भी इमोशन होते हैं जो हर्ट हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको लविंग और कंपैशन के साथ लोगों को टैकल करने की जरूरत है, और दूसरों की बाउंड्री में आप इन्वेड ना करें। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये इस कप में से जो पानी वो छलक के यहाँ आ रहा है, मतलब कप अपनी कप की बाउंड्री में से पानी बाहर निकल रहा है, तो आपको अपनी सीमाएं तय करने की जरूरत है। आपकी सीमाएं क्या है, आप उन सीमाओं में रहिए, और दूसरों की क्या सीमा है, उन सीमाओं को आप इन्वेड नहीं कीजिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ बोलने की जरूरत ही है, इसमें मुझे बात करनी ही पड़ेगी, तो एटलीस्ट आप थोड़े से प्रेम के साथ, थोड़े से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर अगर आप बातचीत करेंगे तो आपको जरूर इसमें फायदा होगा। एक मिनट, मेरी बैटरी। चलिए इस पे क्लेरिफिकेशन लेते हैं। मुझे लगता है आपको फेमिनिन वन वाली वीकनेस समझ में अच्छे से आ गई होगी। ये तो बहुत ही क्लियर मैसेज आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपको इस हैबिट को बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये देखिए दोनों एस एस कार्ड्स हैं, ये भी एस ऑफ एस कार्ड है, ये भी एस कार्ड है, लेकिन ये है एस ऑफ स्वॉर्ड्स और ये है एस ऑफ वाटर, बिल्कुल दोनों एक दूसरे की विपरीत एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड बिल्कुल कटिंग एनर्जी है, और एस ऑफ वाटर जो है वो बिल्कुल से जिसको बोलते हैं ना, वाटर ही एनर्जी है, तो बिल्कुल आपको ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है, इस एस से इस एस पर जाने की जरूरत, इस एस को बदल कर और ये इस एस पर आने की जरूरत। और देखिए ये एस कार्ड बिल्कुल डार्क कलर का कार्ड है, और ये एस बिल्कुल लाइट कलर का कार्ड है, मतलब आपको अपनी शेडो साइड में से बिल्कुल से अपनी लाइट साइड में आ जाने की जरूरत है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड बता रहा है कि आपको इस आदत को चेंज करने की जरूरत है, और इसके लिए आपको क्या करना है, हर्मिट मोड में रहना है। हर्मिट मोड में रहने का मतलब, एक तो आप अपने अंदर झांक के देखिए कि यदि आप इतने ही क्लियर हो लेकिन आप सारे दिन दूसरों की कमियां निकालते हो, तो आप अपनी तरफ भी देखिए, कमियां आप में भी हो सकती है। यदि किसी और की गलती है और आपको ऐसा लगता है कि ये तो मुझे कहने की जरूरत है, ये मैं नहीं कहूंगी तो कैसे चलेगा, तो आप अपनी तरफ देखिए, गलतियां आपने भी की होंगी, लोगों दूसरे लोगों ने भी तो आपको माफ किया होगा, तो इस तरह की जो आपके अंदर चेंजेस की जरूरत है ना, अपने अंदर खुद के अंदर झांक कर देखिए। दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले पहले अपने अंदर झांक कर देखिए। दूसरों को जजमेंट देने से पहले, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, दूसरों को जजमेंट देने से पहले अपनी तरफ झांककर देखिए कि पहले मैं कैसा हूं। और जब व्यक्ति दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद की तरफ देखता है ना, तो वो वैसे ही ट्रांसफॉर्म हो जाता, बदल जाता है। तो यहाँ पर आपको ये एडवाइस दी जा रही है। आई थिंक ये फेमिनिन नंबर वन कार्ड आपको समझ में आया होगा इसकी रीडिंग। इसी बात आता है ये फेमिनिन वीकनेस नंबर टू। तो ये कार्ड है ना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, और इसमें इंटेंसिटी लिखा हुआ है। अगेन आप बहुत पैशनेट फायरी टाइप की लेडी होंगी, बहुत एनर्जी होगी, बहुत एक्टिव होंगी आप, बहुत क्रिएटिव होंगी आप, और आप काफी सक्सेसफुल भी हो सकती है अपनी लाइफ में, और मतलब सक्सेस की तरफ तेजी से बढ़ रही होंगी अपने, मतलब आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपने सक्सेस अचीव करी है अपनी लाइफ में, और अपनी मेहनत से करी, क्योंकि नाइट जो होती है, नाइट की उपाधि बहुत मेहनत के बाद मिलती है। राजा और रानियां जो होते थे ना पहले, वो नाइट की उपाधि देते थे, तो वो बहुत डिजर्विंग पर्सन को ही वो उपाधि दी जाती थी। तो आप बहुत डिजर्विंग हो, आपने अपनी खुद की मेहनत से सफलता हासिल करी, और आप आगे से आगे सफलता हासिल किए जा रहे हो, पैशनेट हो, एक्टिव हो,
और क्रिएटिव हो आप, है ना। लेकिन जो वीक साइड है आपकी, एक तो किसी भी काम को करने के लिए में आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो। कंसिस्टेंट मतलब शुरू किया, शुरू कर दिया और फिर आप विड्रॉ कर लिया अपने आप को। आपने शुरू किया किसी काम को और फिर अपने आप को वापस से आपने विड्रॉ कर लिया, इस तरह की आपकी एनर्जी हो सकती है। दूसरी चीज ये भी हो सकती है, जैसे थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर होता है ना, फ्लर्टेशियस टाइप का नेचर, मतलब दूसरे मल्टीपल लोगों के साथ फ्लर्ट करना, उस तरह की जो एनर्जी होती है, नॉन सिंसियर सुपरफिशियल बिहेवियर करना लोगों के साथ में, इस तरह की भी ये एनर्जी होती है। तो एक तो आपको अपनी, इसके साथ जो कार्ड आया है, दिस इज टावर कार्ड, ये आपकी जो ये जो कमी है ना, एक तो जैसे काम शुरू किया और फिर आपने वापस से विड्रॉ कर लिया अपने आप को, या फिर आपने किसी रिलेशनशिप को आप स्टार्ट कर दिया इंटेंसिटी के साथ, पैशन के साथ। पहले तो आपने रिलेशनशिप को खुद आगे चलकर स्टार्ट कर दिया, और फिर जब आपको ऐसा लगने लगा कि अब ये रिलेशनशिप थोड़ी मतलब स्टेबल हो रही है, स्ट्रांग हो रही है, तो उस समय आप अपने आप को वापस से ना विड्रॉ कर लो। तो ऐसा आप कोई भी व्यक्ति मतलब क्यों करता है, क्योंकि वो कमिटमेंट फोबिया होता है उसको, मतलब वो सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहता अपनी लाइफ में, स्टेबल रिलेशनशिप नहीं चाहता है, और वो चाहता है कि सिर्फ मेरा जो, क्योंकि ये करियर ओरिएंटेड टाइप का भी कार्ड है, तो क्योंकि आप अपने करियर और अपनी सक्सेस और अपना मटेरियल सक्सेस, अपना बिजनेस, अपना पैसे के प्रति आपका बहुत जुनून है, आप पैशन है, एक्टिव है, और क्योंकि आपके अंदर पैशन है, तो आपके अंदर ना ऑपोजिट सेक्स के लिए भी आपके अंदर पैशन होगा। अगर आप फीमेल होगी तो मेल्स के लिए आपका पैशन होगा, अगर आप मेल होंगे तो फीमेल के लिए आपका पैशन होगा। अब आप क्या करते हैं, क्योंकि आप पैशनेट है, तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज यू एंड दिस इज द अदर पर्सन, तो आप दूसरे पर्सन की तरफ आप तेजी से रश करते हो उसकी तरफ कनेक्शन बनाने के लिए, और आप उसको पहले बार बार उसको मतलब रेडी करोगे कि लेट बी फ्रेंड्स, लेट बी फ्रेंड्स, लेट बी फ्रेंड्स। और जब ये व्यक्ति आपकी तरफ मुड़ेगा और ये व्यक्ति अब आपसे कन्वर्जेशन करना चाहेगा, ये व्यक्ति जब कहेगा कि ओके लेट्स बी फ्रेंड्स एंड चलिए इसको हम सीरियसली लेते, और उसी वक्त आप अपने आप को विड्रॉ कर लेते होंगे, नहीं, मैं तो ऐसे ही, और बिल्कुल जैसे गायब। ये एक चीज हो सकती है। दूसरी चीज, इस तरह की जो बिहेवियर होता है ना, इस तरह का बिहेवियर ये सोशल मीडिया पर भी बहुत होता है। सोशल मीडिया पर ऐसे होता है जैसे कि आपने आगे बढ़कर किसी को फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजी, फिर आप उसको बातचीत कर रहे हो, जब सामने वाला पर्सन बातचीत करा तो आपने अचानक से जवाब देना बंद कर दिया, आपने रिवर्ट बैक नहीं किया, तो इस तरह की जो, इसको भी ये भी इस तरह का रश इन रश आउट, रश इन रश आउट। आपने कांटेक्ट किया फिर आपने विड्रॉ किया, आपने कांटेक्ट किया फिर आपने विड्रॉ किया, क्यों? क्योंकि आपका पैशन आपका करियर है, आपका पैशन आपका सक्सेस है, और आप लोगों के साथ रिलेशंस के साथ में आप स्टेबल नहीं रहना चाहते, आप बस उसको एज ए टाइम पास की तरह आप उसको लेना चाहते हो कि आप जब आपके पास फ्री समय है तब तो आप व्यक्ति के साथ कॉन्टैक्ट कर लो, और जब आप बिजी हो ना तो आप बिना इस व्यक्ति की इमोशंस को समझे बिना आप अपने काम पर चले गए, तो आप दूसरे व्यक्ति के इमोशंस को इसलिए हर्ट करते हो क्योंकि आप रिलेशनशिप तभी बनाते हो जबकि आपके पास टाइम है, जबकि आपके पास इच्छा है। आप कभी ये नहीं सोचोगे कि दूसरे व्यक्ति ने अगर आपके साथ कनेक्ट हुआ है तो उसकी अपनी एनर्जी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं, तो आप दूसरे व्यक्ति के बारे में सोच कर रिलेशन नहीं बनाते, आप सिर्फ अपने बारे में सोच कर रिलेशन बनाते, तो थोड़ा सा जैसे सेल्फिश टाइप की जो एनर्जी होती है ना, वो इसकी एनर्जी है। सेल्फिश, नॉन सिंसियर, सुपरफिशियल रिलेशन बनाना, और एक बार रिलेशन बनाने के बाद में फिर से उसको खत्म कर देना, दूसरे व्यक्तियों की लाइफ में एंटर करना फिर वापस विड्रॉ करना, एंटर करना फिर वापस विड्रॉ करना, इस तरह की एनर्जी है। और इसी वजह से ना इस तरह की एनर्जी में टावर एनर्जी आई है। टावर एनर्जी मतलब डिवाइन इंटरवेंशन, भगवान जो होता है ना, ईश्वर, वो इस तरह की एनर्जी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल हो, चाहे आप कितने भी पैशनेट हो, लेकिन यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के लाइफ में इस तरीके से एंटर आउट इस तरह का बिहेव करते हो, नॉन सिंसियर बिहेवियर करते हो, तो ऐसे रिलेशनशिप खत्म होते। तो आपके इस बिहेवियर की वजह से ना आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप खराब हुए होंगे, और बहुत से लोगों ने आपके साथ में कांटेक्ट तोड़ लिए होंगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है।
क्योंकि कार्ड ऐसा बोल रहे हैं। तो यदि आपकी ऐसी एनर्जी, भले आप सक्सेसफुल हो गए, आप स्मार्ट हो गए, इंटेलिजेंट हो गए, आपके पास मनी होगा, आपके पास सब कुछ ऐसा चीज होगी जिससे कि आप किसी व्यक्ति को अट्रैक्ट कर सको, पर ये जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है ना, इस एनर्जी की वजह से आपके रिलेशन खराब होते होंगे लोगों से, और लोग आपसे एब्रप्टली तोड़ के आपको अंधेरे में डाल के चले जाते होंगे, और फिर आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने कुछ भी गलती नहीं करी, फिर भी लोगों ने मुझे छोड़ के चले गए। तो इस तरह की ये फेमिनिन नंबर 2 के ऊपर ही आ रहा है। ये मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। इसके क्लैरिफिकेशन देखिए, ये कार्ड नंबर 2 ऑफ वॉन्ड्स आया, नीचे पॉसिबिलिटीज लिखा हुआ है। देखिए बहुत क्लियर मैसेज है। पहली चीज तो आप किसी भी व्यक्ति की लाइफ में एंटर करते हैं और फिर वापस से विड्रॉ करते हैं, एंटर करते हैं वापस विड्रॉ करते हैं, मतलब आप 2 ऑफ वॉन्ड्स यानी आप कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं। आप डिसीजन लेने की, आप डिसीजन लेना तो चाहते हैं पर आप डिसीजन ले नहीं पाते, एक तो ये चीज है आपकी। तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको इस व्यक्ति की लाइफ में रहना है कि जाना है, या किसी व्यक्ति को आपको अपनी लाइफ में रखना है कि छोड़ना है। रखना है तो रख लीजिए, छोड़ना है तो छोड़ दीजिए। ये जो कंटिन्यूस आना जाना वाली स्थिति रखते हैं ना आप, ये आपकी जिंदगी की बड़ी प्रॉब्लम है। और आप क्या करते हो, लोगों के ऊपर मतलब दूर से नजर रखना रखते हो, मतलब आप लोगों के साथ में गहरा कनेक्ट नहीं होते, लोगों के साथ में डीप कनेक्ट होना, फर्म कमिटमेंट देना, किसी नाम, किसी सही रिश्ते में बंधना, इस तरह की चीजों से आप बचते हो। और आप लोगों के लाइफ में रहते तो, लेकिन मतलब दूर दूर खींचे खींचे दूर दूर रहते हो, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है लास्ट में, ये हार्ट ब्रेक होता है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स बहुत पेनफुल कार्ड होता है, पेनफुल एंडिंग जिसको बोलते हैं। तो क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो इस तरह का बिहेव करेगा ना, उसके साथ थ्री ऑफ सॉर्ड्स तो होना ही है, फिर उसका या तो उसका दिल टूटेगा या फिर सामने वाले का दिल टूटेगा। तो इस तरह की एनर्जी से आपको तुरंत बाहर आने की जरूरत है, यानी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आपको तुरंत बाहर आने की जरूरत है, नहीं तो आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट आते रहेंगे। और आप ना चीजों को बड़े पर्सपेक्टिव में देखिए, हायर पर्सपेक्टिव में देखिए। आप सोचते हैं कि थोड़ी समय का मतलब टेम्प्रेरी रिलेशनशिप बनाने से क्या नुकसान हो गया, क्या फर्क पड़ गया, लेकिन इसके दूरदर्शी दूरगामी परिणाम खराब होते हैं। तो इसके लिए आपको ये, अगर आप किसी व्यक्ति से रिलेशन बनाना चाहते हो, मेंटेन करना चाहते हो, तो आप टू ऑफ वॉन्ड्स मतलब पहले ही सोच विचार कर रिलेशन बनाइए। आपको रिलेशन बनाना है तो आप ठीक से बनाइए, बिल्कुल मतलब कमिटेड रिलेशन बनाए। नहीं बनाना है तो आप उस व्यक्ति से अपने आप को दूर रखिए, जैसे ईगल ऊपर आकाश में उड़ रहा है। या तो आपको किसी व्यक्ति की लाइफ में होना है या आपको किसी व्यक्ति की लाइफ में नहीं होना है, आप डिसाइड करने के बाद ही उस व्यक्ति को अप्रोच कीजिए। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हार्ट ब्रेक की कंडीशन आएगी, थ्री आपका भी दिल टूटेगा और सामने वाले का भी दिल टूटेगा। तो ऐसी एनर्जीज अगर आपकी है, अगर ये आपकी कमजोरी है, ये फेमिनिन कमजोरी अगर आपकी है, तो आपको इसे तुरंत निजात पाने की जरूरत है। आई डोंट लाइक दिस रीडिंग एट ऑल। उसके बाद तीसरी फेमिनिन एनर्जी, दिस इज इंटीग्रेशन, देन दिस इज अ मेजर आर्कना। 10 and 4, 14, 4, okay, 4 and 5। इसका तो मैसेज बड़ा सा सीधा सा मैसेज है इसका। आपको अपने सारे चक्रास पे काम करने, आपकी एनर्जी जो है ना, ये ऐसी ही एनर्जी है जैसी ये एनर्जी है। इसमें भी यहाँ सेक्रल चक्र एनर्जी थी ना, इसमें भी यहाँ पर सेक्रल चक्र एनर्जी है। ये जो फेमिनिन मैस्कुलिन का जो बैलेंस है ना, दिस इज सेक्रल चक्र एनर्जी। तो आपको भी अपने सेक्रल चक्र मतलब अपनी सेक्सुअल एनर्जीज को बैलेंस करने की जरूरत है। तो अगर आप मैस्कुलिन या मेल है या फीमेल है, आप अगर फीमेल हैं तो हो सकता है कि आप इस तरह की, अगर आप एनर्जी, अगर आप फीमेल हैं, अगर आपने कार्ड चूज किया है, तो आपको जैसे फीमेल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें, या फिर आपको प्रेगनेंसी में, या फिर आपको कंसीव करने में, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती होंगी, है
है ना। तो आपको अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं, लोअर बॉडी से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स अगर हो रही होंगी, तो उसकी वजह मतलब बीमारी तो उसकी वजह होती है, लेकिन जो दूसरी वजह होती है उसकी एनर्जी इम्बेलेंस है। तो आपका सेक्रल चक्र यानी आपकी जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, सेक्रल चक्र जो है आपका, मुझे हिंदी नहीं याद आ रहा, सेक्रल चक्र जो थर्ड चक्र होता है, जो थर्ड चक्र, फर्स्ट इज द मूलाधार, फिर उसके बाद आपका आता है सेकंड, आता है सेक्रल चक्र, थर्ड सेकंड चक्र। तो सेकंड चक्र आपका इम्बेलेंस है, जहां पर फेमिनाइन वूम्ब होती है ना, उस जगह पर चक्र होता है, नाभि के चार चार उंगली नीचे ये वाला चक्र होता है। तो ये चक्र आपका इम्बेलेंस हो सकता है। तो इसकी वजह से जैसे कमजोरी है ना, मतलब आपको आपकी जो ओवरऑल एनर्जी रहती होगी वो कम रहती होगी, लो फील करते होंगे आप, आपको काम करना लिथार्जी, थकान सा रहना, सारे दिन फटीग आना, डिप्रेशन में रहना, इस तरह की आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आपको अपने सेकंड चक्रा पे काम करने की जरूरत है। अब पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल मतलब यहाँ पर मैं इसको समझती हूँ, ये येलो जो कलर दिख रहा है सेक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र, मतलब आपके जो लोअर चक्र है ना वो इम्बेलेंस है। लोअर चक्र इम्बेलेंस होने की वजह से आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको एनर्जी एक्टिव और कम एक्टिव रह पाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको इसमें हो सकती है। मैं और कार्ड लेकर देखना चाहूंगी। यस, आप डिप्रेशन की शिकार हो सकते हैं, आप क्योंकि आपके लोअर चक्र इम्बेलेंस है, तो आप हो सकता है कि बहुत थके हुए रहते हो, आपके पैरों में दर्द रहता हो, और जैसे बीपी का लो रहना या आपको डिप्रेशन होना, इस तरह की आपकी मेंटल कंडीशन हो सकती है। आपकी फिजिकल हेल्थ भी डाउन हो सकती है और आपकी मेंटल हेल्थ भी आपकी डाउन हो सकती है। और इसके लिए ना आपको और आप टेंशन भी बहुत लेते होंगे, मतलब आप बहुत ज्यादा बर्डन लेना, स्ट्रेस करना, और जैसे छोटे छोटे मुद्दों को पकड़ के रखना, छोटी बातों को लेट गो नहीं करना, उन चीजों को एक टेंशन को लेकर बहुत दिन तक बैठे रहना, उसी 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 के ऊपर सोचते रहना, उसी पर सोचते जाना, इस तरह की आपकी अगर एनर्जी हो ना, तो आपको थोड़ा सा लाइट मतलब लाइक अ चाइल्ड, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल मेंटली फ्री, टेंशन फ्री, उस तरीके से आपको हो जाने की जरूरत है। तो आपको इसमें फायदा मिलेगा। लेट मी चेक वन मोर। यस, यही है कार्ड में, ये कलर आप देख रहे हो रेड एंड येलो कलर, आपके लोअर चक्र इम्बेलेंस है। लोअर चक्र इम्बेलेंस होने की वजह से आपकी हेल्थ डाउन रहती होगी, आपकी एनर्जी कम रहती होगी, और फटीग यानी थकान आपको रहती होगी, डिप्रेशन आपको रहता होगा, एंगर आपको आता होगा, स्ट्रेस आपको रहता होगा। और इन सब को बैलेंस करने के लिए आपको लोअर चक्रास बैलेंस करने की जरूरत है। अगर आपने अपनी चक्रा एनर्जी बैलेंस करेंगे तो आप बेटर फील करोगे। इसके अलावा आप है ना, आपकी आपकी इंट्यूशन तेज होगी, और आप वैसे, और इसीलिए इसी वजह से भी डिप्रेशन ज्यादा आता है, क्योंकि जो लोग कह ही नहीं रहे वो भी आपको पता चल रहा है, लोग कोई आपसे बात छुपाना चाह रहे हैं वो भी बात आपको पता चल जाती है। तो जो कोई कुछ नहीं कह रहा उनकी नहीं कही हुई बातों पे भी टेंशन लेना, उनकी नहीं कही हुई बातों पे भी डिप्रेशन में आ जाना, इस तरह की ये कार्ड की रीडिंग्स है। तो आपको अपने लोअर चक्रास पर काम करने की, अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करने की, सोलर प्लेक्सिस को, सेक्रल चक्रा को, और अपने रूट चक्रा को बैलेंस करने की जरूरत है। जब आप ऐसा करेंगे तो डिप्रेशन वाले मोड से निकलकर एक चाइल्ड लाइक हैप्पी मोड में आप जा सकेंगे, ऐसा ये रीडिंग बोल रही है। तो आई थिंक ये रीडिंग्स आपको पसंद आई होंगी। तीनों तरह की मैस्कुलिन क्या क्या एनर्जीज इम्बेलेंस है, और तीनों तरफ की क्या फेमिनिन एनर्जीज इम्बेलेंस है, आप देख लीजिए। और जो 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 जिस भी रीडिंग से आप रेजोनेट करते हैं, उस रीडिंग के हिसाब से जो जो आपको एडवाइस दी गई, उन एडवाइस पर आप काम कीजिए, और आपको फायदा जरूर मिलेगा। अगर आप मेरी इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं तो भी कमेंट कीजिए, और अगर आपको इन एडवाइस से फायदा होगा और हो जाए तब भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरी दी हुई इस रीडिंग से किसी को भी फायदा पहुंच सके तो। सो थैंक यू वेरी मच, आई विल बी राइट बैक। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।